अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स एंड सर्विसेज। आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक एंड ईजी चिकन मायो ग्रिल सैंडविचेस। झटपट से बन जाने वाले ये सैंडविचेस आप टी टाइम पे भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेस्ट है। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, बारीक कटी शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, ब्रेड के स्लाइसेस जिसके किनारे हमने निकाल दिए हैं, और 4 टेबलस्पून मेयोनीज। अब सबसे पहले पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। इसको हमने सिंपल बॉइल कर लिया था हल्का सा नमक डाल के, और बॉइल जब ये हो गई थी तो उसके बाद उसको श्रेड कर लिया था। इसको हम थोड़ा सा इस ऑयल में फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 ही टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टीस्पून हम डालेंगे टिक्का मसाला, ये ऑप्शनल है, इससे अच्छा सा बारबेक्यू टेस्ट आएगा इसमें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, 1 ही टीस्पून डालेंगे हम इसमें चिली सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको तमाम मसालों के साथ। बहुत ही कम मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं, इन्हीं मसालों से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा हम इसको सौते करेंगे। बस अब ये हमारा मिक्सचर रेडी है, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। एक बाउल में हम डालेंगे मेयोनीज जो हमने 4 टेबलस्पून लिया था। अब हम शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, इससे बहुत ही रिच टेस्ट आएगा आपके सैंडविचेस में। 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। बस अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो चिकन एंड वेजिटेबल का मिक्सचर हमने बनाया था। अच्छे से इसको शामिल करने के बाद हम मिक्स करेंगे, और ये हमारा चिकन सैंडविचेस का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद। मिक्स करने के बाद मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, एक स्लाइस हमने लिया है और उसके किनारे हमने पहले ही काट दिए थे। अब हम इसको अच्छे से ब्रेड पे लगा लेंगे सब तरफ, और दूसरी ब्रेड से इसको ढक देंगे। ग्रिल पैन हमने गर्म कर लिया है, उसमें हल्का सा ऑयल डाला है हमने। अब हम इस सैंडविच को ग्रिल पैन पर रख देंगे, इससे आपके सैंडविच पर बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे ग्रिल पैन के। साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसको टोस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे सैंडविचेस भी तैयार कर लेंगे। अब ये दोनों साइड से टोस्ट हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सेंटर से दो हिस्सों में काट लें। आप देख रहे हैं कितने अच्छे मार्क्स इस पे बने हैं ग्रिल पैन के। ग्रिल पैन पे टोस्ट करने से सैंडविचेस बहुत क्रिस्पी भी हो जाते हैं ऊपर से, और ये मार्क्स भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस अब हमारे ये सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। सर्व करें इसको केचप के साथ और इन्जॉय करें टी टाइम स्नैक के तौर पर, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। बच्चे बहुत शौक से इस तरह के सैंडविचेस खाते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। क्विक एंड ईजी सैंडविचेस थे, ईजी टू मेक थे, झटपट से बन जाने वाले हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस मिल सकें। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्किल्स एंड सर्विसेज। अल्लाह हाफिज़।